रहती है। भले प्रकट रूप में कोई संत न हो, लेकिन गुप्त रूप से वहाँ पर संत महापुरुष विराजमान हो जाते हैं। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का उद्धरण देते हुए कहा था, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान। भले हम मनचासीन महात्मा संत नहीं है, लेकिन हरि की चर्चा सुनने के लिए यहाँ पर संत महापुरुष गुप्त रूप से आए हुए हैं, पधारे हुए, बैठे हुए हैं, उनके संग में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। वो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजमान है, उनके सानिध्य में हम आप लोग बैठे हुए हैं, हम आप संत के संग में हैं। हम आप परमात्मा की पहली भक्ति कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, संत के संग में हैं। सज्जनों याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग सत्संग करता है ना, उनको फल क्या मिलता है। गर्ग संगीता में मैंने पढ़ा, गर्गाचार्य जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पारलौकिक गुरु थे, उनसे राजा वज्रनाभ ने पूछा है, गुरुदेव अगर कोई मानव परमात्मा की पहली भक्ति संतों का संग करता तो उसको क्या फल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए गर्गाचार्य जी महाराज कितना बढ़िया बोले हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, गंगा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुर हरे, पापं तापं तथा दैन्यं सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, धर्म ग्रंथ के माध्यम से महापुरुषों ने कहा है कि गंगा पाप नाशनी है, गंगा के जल में अगर कोई पापी स्नान करता है तो माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो देती है। गंगा पापन शशि तापन, शशि कहते चंद्रमा को। सज्जनों दिन में सूर्योदय होने से सूरज की तप्त किरणें संसार में फैलती है, संसार में ताप बढ़ जाता है। जब रात्रि काल में चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा की शीतल किरणें संसार में फैलती है, तो चंद्रमा की शीतल किरणें सूर्य की किरण से निकले हुए ताप को हरण कर लेती है। शशि तापक दैन्यम कल्प तरूर हरे, अगर कोई दरिद्र आदमी कंगाल आदमी कल्प वृक्ष के पास में जाकर के धन की कल्पना करे कि हमको धन हो जाए, तो कल्प वृक्ष के प्रभाव से जैसे वो कल्पना करेगा हमको धन हो जाए तो उनको धन हो जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज ऐसा करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, वज्रनाम सुनो, इधर तो तीनों का काम अलग हुआ, गंगा का काम हुआ मनुष्य के किए हुए पाप को अपने जल से धो देना, चंद्रमा का काम हुआ सूर्य के ताप को दूर कर देना, कल्प वृक्ष का काम हुआ मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर देना, लेकिन साधु महात्माओं का समागम सत्संग परमात्मा की पहली भक्ति क्या करती है, पापं तापं तथा दिन्यम सद्य साधु समागम। जो साधु महात्माओं के समागम में जाता है उनका पाप खत्म होता है, उनका त्रेताप खत्म होता है, दैहिक दैविक भौतिक ताप, और उनके जीवन में जो कंगाली है, उनके जीवन में जो दरिद्री है, वो कंगाली खत्म होती है, उसकी दरिद्री खत्म होती है। ये परमात्मा की पहली भक्ति का चमत्कार है। और आप लोग सुन ही रहे थे, संत संग अपवर्ग कर, अगर कोई संतों के संग में चला जाता है ना, तो अपवर्ग का मार्ग उनके लिए प्रशस्त हो जाता है, मोक्ष का मार्ग उनके लिए खुल जाता है। जो संतों के संग में जाता है सत्संग में जाता है। और पंजाब के संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत शरण जोजन पड़ा सोजन उधरण हार, संत के निंदा नान का बहुरी बहुरी अवतार। जो संतों के शरण में चला जाता है, संतों के सानिध्य में चला जाता है, वो पापी से पापी प्राणी क्यों ना हो उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, ऐसा गुरु नानक देव जी महाराज का। सज्जनों संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, संगति सौ सुख उपजय कुसंगति सौ दुख जो, कह कबीर तह जाइए साधु संग जहाँ हो। संत कबीर साहब कहते हैं, जो अच्छी संगति में जाता है मतलब सत्संग में जाता है, उनके जीवन में सुख उपजता है,
जो बुरी संगति में जाता है, दुष्ट लोगों के संग में जाता है, उनके जीवन में दुख उपजता है। संत कबीर साहब ने कहा, दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सभी चाहता है, इसलिए किसी को बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, मतलब साधु महात्माओं के समागम में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, उनके जीवन में सुख उपजेगा। और सज्जनों याद रखेंगे, सत्संग में जाने वाले व्यक्ति के अच्छे संस्कार का निर्माण भी होता है, उनके अच्छे संस्कार का निर्माण होता है। माता पिता के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए ज्ञान होता है, गुरुजनों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए वो ज्ञान होता है, पति पत्नी को आपस में कैसे मिलकर रहना चाहिए वो ज्ञान होता है, पिता पुत्र को कैसे आपस में मिलकर के रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति कैसा प्रेम प्यार भाव होना चाहिए ये ज्ञान होता है। सज्जनों, सत्संग में आने वाले प्राणी को सांसारिक ज्ञान के साथ साथ, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ पारमार्थिक ज्ञान भी होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संग, परमात्मा श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संग, आप संतों के संग में चले गए आपको इतना लाभ मिलेगा, परमात्मा की पहली भक्ति कर ली, सत्संग कर लिए आपको इतना लाभ मिलेगा। सज्जनाओ, फिर परमात्मा की दूसरी भक्ति क्या है और उसका परिणाम क्या है याद रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो परमात्मा की पहली भक्ति को अपना लेता है, स्वाभाविक रूप से उस जीव को परमात्मा की दूसरी भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बिनो सत्संग न हरि कथा, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे हरि कथा मिलेगी, हरि कथा नहीं मिल सकती है, सत्संग में जाने पर ही आपको परमात्मा की कथा हरि कथा मिलेगी। और परमात्मा श्री राम क्या कह रहे थे, परमात्मा की भक्ति मेरी भक्ति दूसरी वो क्या है, हरि कथा है। अगर संतों के संग में चले गए, हरि कथा को, मेरी कथा को, परमात्मा की कथा को सुने, तो मेरी भक्ति, मेरी दूसरी भक्ति परमात्मा की दूसरी भक्ति हो गई। सज्जनों, सत्संग में जाएंगे तो आपको हरि कथा मिलेगी, परमात्मा की कथा मिलेगी। अगर इसको रति के साथ आप सुनते हैं, प्रेम के साथ आप सुनते हैं, इसका भी प्रभाव है। सज्जनों, हम आप तो मनुष्य के शरीर में है ना, धुंधकारी प्रेत के शरीर में रह करके हरि कथा सुना था, परमात्मा की कथा सुना था, बड़ी श्रद्धा से सुना था, बड़ा प्रेम से सुना था। आप लोग जानते होंगे, कभी कथा में सुने होंगे, उस धुंधकारी का कल्याण श्राद्ध से नहीं हुआ था, पिंडदान से नहीं हुआ था, लेकिन हरि कथा को ध्यान से सुना, प्रेत के शरीर में रह करके, तो उनका कल्याण हो गया, वो प्रेत के शरीर से छूट गया। सज्जनों, कथा के साथ में दिन, सात दिनों तक वो कथा सुना था, कथा के साथ में दिन वैकुंठ से विमान आया और विमान पर चढ़ करके चल गया, चला गया, वैकुंठ चला गया। ये कथा का प्रभाव है कि धुंधकारी प्रेत के शरीर से जुड़ गया। याद रखिएगा, आप लोगों के द्वारा ऐसा कोई कुकर्म हुआ होगा जिस कुकर्म के चलते आप प्रेत की जोनी में जा सकते हैं। सज्जनों, मनुष्य के शरीर में रह करके रति के साथ, प्रेम के साथ कथा सुनेंगे तो आप प्रेत की जोनी में जाने से बच जाएंगे। जो प्रेत के जोनी में जीवात्मा चला गया था ना, वो कथा सुना तो प्रेत के शरीर से छूट गए, और आप अपने कुकर्मों के चलते प्रेत की जोनी में जाने वाले हैं। अगर सत्संग में आकर के रति के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हरि कथा सुनेंगे, परमात्मा की कथा सुनेंगे, आप प्रेत के जोनी में जाने से बच जाएंगे, आप प्रेत के जोनी में नहीं जाएंगे। ये कथा का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है। सज्जनों, राजा परीक्षित सात दिनों तक परमात्मा की कथा सुना सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से। आपको पता होगा, सातवें दिन सुखदेव जी महाराज ने उनको पूछा, परीक्षित, जिस तक्षक कब है तुमको पहले दिन हुआ था, क्या आज भी कथा सुनकर के वो भय तुम्हारे अंदर में है? सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज ने क्या कहा, गुरुदेव अब नहीं है, अब हमको तक्षक का भय खत्म हो गया, अब तक्षक का डर में ऐसा डर हुआ कि तक्षक हमको टसेगा, हम मर जाएंगे, तो राजपाट का परित्याग करके हम संतों के संग में आ गए। सत गुरुदेव, आपके मुखारविंद से
सात दिनों तक परमात्मा की कथा सुने हैं, अब हमारे अंदर से तच्छा कब है सदा के लिए चला गया। अब तो हमको ये नॉलेज हो गया, जो मैं हूँ वही तच्छक है, जो तच्छक है वही मैं हूँ, हम में तच्छक में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना जरूर है, तच्छक को सांप वाला शरीर है, हमको मनुष्य वाला शरीर है। शरीर में अंतर है लेकिन शरीरी में कोई अंतर नहीं है, शरीर में अंतर है लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो तच्छक के अंदर में आत्मा है वही हमारे अंदर में आत्मा है, जो हमारे अंदर में आत्मा है वही तच्छक के अंदर में आत्मा है। गुरुदेव, डर तो दूसरों से होता है, अपनों से नहीं होता है। डर अपनों से नहीं होता है, जो मैं हूँ वो है, जो वो है वो मैं हूँ, अब हमको कोई डर नहीं है। सज्जनों कथा सुन करके ऐसा भाव हो आता है, ऐसा ज्ञान हो आता है। किन को? राजा परीक्षित को। तच्छक का भय खत्म हो गया, उनका डर खत्म हो गया। सज्जनों परमात्मा की कथा सुनने से जीव निर्भय होता है, भय से मुक्त होता है। कथा सुनने वाले को काल का भी भय नहीं होता है, जमराज का भी भय नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा परमात्मा की कथा दूसरी भक्ति उनको रति के साथ सुनो, प्रेम के साथ सुनो, और ये कथा मिलेगी संतों के संग में। जब तक संतों के संग में नहीं जाओगे तब तक तुमको हरी कथा मिलने वाली नहीं। सज्जना एक राजा हो गए कटवांग, धुंधकारी तो सात दिनों तक कथा सुना था, राजा परीक्षित सात दिनों तक कथा सुना था, खटवांग केवल दो मोहर तक कथा सुना था, उसी में उसका भला हो गया था, उसी में उसका कल्याण हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, जो संतों के संग में जाकर आनंद मन से संतों के वचनों को सुनता है, समझता, अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते वो चार फल पाता है। सुनी समझ जन्म उदित मन मत जही अति अनुराग, लहाई चार फल अचर तनो साधु समाज प्रयाग। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, संतों के संग में जाकर जो हरि कथा सुनता है और कथा के अनुसार अपने जीवन को ढालता है उनको मिलता है, ये चार फलों को मिलते हैं। जो संतों के वचनों को सुनकर समझता है और अपने आचरण में उतारता है, शरीर रहते अर्थ धर्म का मोक्ष, ये चारों फल को पाता है। ये कथा का प्रभाव है, परमात्मा की दूसरी भक्ति का प्रभाव। सज्जनों परमात्मा की तीसरी भक्ति क्या है, राम की तीसरी भक्ति क्या है, गुरु की सेवा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमानी होकर के आप गुरु की सेवा कीजिए। मैं कल अपराहन काल के सत्संग में गुरु की महिमा में प्रकाश डाला था, आप लोग सुने थे। सज्जनों सबों को गुरु की शरण में जानी चाहिए और अमानी होकर के गुरु की सेवा करनी चाहिए, और इस श्रद्धा विश्वास के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये नर रूप में हरि है, ईश्वर है, ईश्वर है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने गुरु की सेवा करने के लिए बतलाया किस तरह से करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। ऐसा जल्दी किसी से होगा? ऐसा जल्दी किसी से नहीं होगा। हमारे ओम प्रकाश बाबू हैं जो सत्संग कराए हैं, सज्जनों इनके अंदर में थोड़ा अधिक त्याग है। हमें पता चला 9-10 कुंटल चावल खत्म हुआ, उसके अनुसार दाल सब्जी मसाला तेल ये सब फिटेन देख रहे हैं, बाजा जनरेटर ये सब, इसमें तो खर्चा हुआ है ना। भले सब कुछ समर्पित नहीं किए लेकिन अपने धन में से बहुत कुछ गुरु महाराज जी को ये दिए। सज्जनों याद रखिएगा, ये सत्कार इनका निरर्थक जाने वाला नहीं है, ये सार्थक होगा। अभी थोड़ी देर के लिए बुझा भी जाएगा कि हमारा खर्च हुआ, लेकिन जब इसका परिणाम इनके जीवन में आवेगा ना, तब इनको पता चलेगा नहीं वो हमारा निरर्थक नहीं गया, वो हमारा सार्थक हुआ, वो हमारा निरर्थक नहीं गया, वो हमारा सार्थक हुआ। महात्मा बुद्ध ने कहा पापात्मा के सामने में जब पाप का फल आता है ना, तब उसको पाप दिखा देता है। उसी प्रकार से पुण्यात्मा के समक्ष में सामने में जब पुण्य का फल आता है तब उनको पुण्य दिखाई देता है। नहीं, वो जो हम सत्कर्म किए थे ना, पुण्य किए थे ना, उसी का ये परिणाम है, उसी का परिणाम है, तब उनको दिखा देगा।
सज्जनों इनकी धर्म खाता में बहुत कुछ जमा हो गया, बहुत कुछ। सज्जनों हम लोगों के सदगुरु महाराज जी को देख, गुरु की सेवा किस तरह से करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, सब कुछ समर्पण करके। जब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी के यहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए, शिवाजी उनके शिष्य थे, गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा की टेर लगाए, जय जय समर्थ रघुवीर की भिक्षा हम दे। शिवाजी जान गए कि हमारे गुरुदेव आ गए भिक्षा मांगने के लिए, क्या देंगे गुरु महाराज को, क्या देंगे, विचारने लग गए। अरे गुरु महाराज ने वैसा ज्ञान बतलाया वो अनमोल है, उनके सामने में हमारा को भी पदार्थ मूल्यवान नहीं है। तिजोरी के पास गए, सोना चांदी हीरा जवाहरात को देखे, सोचे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, रत्न सब को देख, ये सब दे दे। उनके मन में वारे गुरु के ज्ञान के सामने में सब रत्न बिना मूल्य के हैं, कुछ भी नहीं है। गुरु का ज्ञान तो अनमोल है, क्या दे उनको। तब अंतिम में एक विचार, अच्छा कुछ कागज में लिख करके दे देता हूँ। सज्जनों कुछ कागज में लिख करके दिए उनके झोला में। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, शिवा कागजे के टुकड़ा से हमारा पेट भरेगा। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव कागज के टुकड़ा को पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। कागज के टुकड़ा को पढ़ते हैं समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उसमें लिखा हुआ था, शिवा सहित शिवा का पूरा राजपाट सदगुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। ऐसा कोई जल्दी कर सकते हैं सज्जना? ये केवल मुंह से नहीं बोले थे, हकीकत में बोले थे। गुरुदेव ने की परीक्षा लिए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा ये सब कुछ हमारा ना हो गया राजपाट, और तुम भी हमारा हो गया। कहा, बिल्कुल मुंह से नहीं बोले, हृदय से बोले गुरुदेव, सब कुछ आपका है, हम भी आपके हैं। ये बात सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। परीक्षा लेने लगे, शिवा जब तू हमारा हो गया, हमारा राजपाट हो गया, तो हम राजा हो गए ना। सुनो, मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ, तुमको भी भिक्षा मांगना पड़ेगा। राज पोशाक को उतारो, जैसा वेश में गरबा वाला साधु वाला पहना हो ना, वैसा कपड़ा पहनो, और मैं भिक्षा मांग करके खाता हूँ। आज तक जिस प्रजा का तुमने भरण पोषण किया है, उसी से भिक्षा मांगो, और हमको भी खिलाओ और तुम भी खाओ, हमको भी खिलाओ तुम भी खाओ। सज्जना शिवाजी महाराज ऐसा करके दिखला दिए, प्रजा से भिक्षा मांग करके भोजन बना करके गुरुदेव को खिलाए और अपना भी खिलाए। लेकिन ऐसे गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास जी महाराज हैं, बाद में बोले, शिवा तुम्हारे समर्पण का अभाव हम जान गए, तुम्हारे समर्पण का अभाव हम जान गए। तुम मुंह से नहीं कहा, कागज में लिख करके नहीं दिया, हकीकत तू हृदय से कहा, जाओ हमारा राजपाट समझ करके इसका संचालन करो, हम मैं चलता हूँ। साधु तो फकीर होते, हम मैं चलता हूँ, सब कुछ तुम संभाल करो। सज्जना समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को शिवाजी सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, ये करके दिखला दिए। दादू दयाल जी महाराज अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, बीच बीच में बोलते रहते थे, गुरुदेव तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। इधर उनके गुरुदेव ने सुन लिया, कहा दादू क्या कह रहा है, सब कुछ हमारा। कहा गुरुदेव, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण। कहा तू अपने लिए कुछ नहीं रखा। कहा गुरुदेव मैं अपने लिए रख करके बोला हूँ, पूरा वाक बोला कहा हूँ। कहा पूरा बोलो ना, पूरा सुनाओ। सज्जनों दादू दयाल जी मेरा देख कैसे बोलते, गुरुदेव सुनिए पूरा बोल रहा हूँ। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। गुरुदेव सब कुछ मैं आपको दे दिया, लेकिन मैं आपको अपना लिया, आप हमारे हैं। जब आप भी हमारे हैं तो हमको किसी की कमी होगी। सब कुछ मैं यहाँ आपको दिया, आप ही को अपना लिया, तो किस चीज़ की कमी रहेगी। सज्जनों इस भावना से गुरु की सेवा करेंगे ना, तो हर कार्य आपका सिद्ध होगा। याद रखिएगा, सेवा कीजिए, लेकिन ये भाव आपके अंदर में कभी नहीं आवे, जिस गुरु की सेवा मैं कर रहा हूँ, जिस गुरु की शरण में मैं गया हूँ, वो भी गुरु हमारा मान सम्मान करे, ये भाव आपके अंदर में कभी नहीं होना चाहिए। अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए, मान सम्मान का भाव छोड़ करके आप गुरु की सेवा कीजिए।
गुरु की सेवा करेंगे, परमात्मा की भक्ति होगी। ये नर रूप में हरि है, ईश्वर है, परमात्मा की भक्ति होगी। अगर आप मान सम्मान का भाव लेकर के गुरु की सेवा करेंगे तब क्या होगा? संत कबीर साहब ने कहा, अहम अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। तब तो आप जमराज के मेहमान हो जाएंगे। जमराज आपको ले जाएंगे अपने लोग, आपकी कुटाई करेंगे। सज्जनों, मान सम्मान का भाव छोड़ करके गुरु की सेवा कीजिए। हमें आपको सुनाया था कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी, बहुत महापुरुषों की वाणी मैंने आपको सुनाया था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, बिनो गुरु भवन धी तरे न कोई, जौ विरंची शंकर सम होई। इस ख्याल से अगर संसार रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो गुरु की शरण में जाइए। संसार रूपी समुद्र में दुख ही दुख है, सुख नाम की चीज नहीं है। गुरु की शरण में चले जाएंगे, गुरु आपको संसार रूपी समुद्र से पार लगा देंगे। इसलिए गुरु की सेवा अत्यंत जरूरी है। ये नवदा भक्ति की तीसरी भक्ति है। गुरु की सेवा मानो परमात्मा की सेवा है। अमानी होकर के गुरु की सेवा कीजिए। सज्जनों, परमात्मा की चौथी भक्ति क्या है? उनका गुणगान, स्तुति प्रार्थना। स्तुति प्रार्थना के द्वारा परमात्मा का गुणगान होता है। आप परमात्मा का गुणगान कीजिए। आप कहें क्यों करेंगे? इसलिए कीजिए कि हम आपके सबसे बड़े उपकारक परमात्मा हैं। परमात्मा से बढ़कर के कोई उपकारक नहीं है। सज्जना, 84 लाख प्रकार की योनियों में हम आप भ्रमण कर रहे थे और कारण स्नेह करने वाले परमात्मा ने हम आपको मनुष्य का शरीर दिया। जैसा कि परमात्मा श्री राम ने अपने दादत्व काल में अपनी प्रजा को कहा था, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत इस बिनो हेतु स्नेही। 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे थे, उन योनियों से निकाल करके मनुष्य शरीर में लाने वाले परमात्मा ही सबसे बड़े उपकारक है। माता के शरीर में हम आपको बनाया है और वहाँ पर आहार की जरूरत पड़ी है तो वहाँ पर आहार दिया है, सब व्यवस्था परमात्मा ने की है। फिर जन्म हुआ है तो माता के शरीर में दूध की व्यवस्था, धरती की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, अग्नि की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था, आकाश की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था परमात्मा की है। ये सबसे बड़े उपकारक हम आपके हैं। सज्जन, उनका गुणगान करना चाहिए। महापुरुषों ने कहा, जो अपने उपकारक का गुणगान नहीं करता है वो कृतघ्न कहलाता है। सज्जनों, महाभारत के अंदर कृतघ्न मनुष्य को इतना भयंकर पापी माना गया है कि उसके मांस को राक्षस तक नहीं खाता है, उसके मांस को कुत्ता तक नहीं खाता है जो कृतघ्न है। कृतघ्न उसको कहते हैं जो अपने उपकारक को भूल जाते हैं। परमात्मा, हम आपके बहुत बड़े उपकारक हैं, उनको भूलना नहीं है। स्तुति के माध्यम से उनका गुणगान करना है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी बड़ाई करनी है। सज्जन, याद रखिएगा, जब स्तुति प्रार्थना के द्वारा उनकी प्रशंसा करेंगे, उनकी बड़ाई करेंगे, स्वाभाविक रूप से उनके प्रति आपको आस्था होगी, विश्वास होगा, प्रेम होगा। जब आस्था विश्वास के साथ, प्रेम के साथ उनकी भक्ति करेंगे ना, तब भक्ति में सफल हो जाएंगे। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिंब विचार उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो। प्रेम के साथ भक्ति करनी है। इसलिए हम लोग स्तुति विनती में गुरु महाराज से भक्ति मांगते हैं तो प्रेम भी मांगते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, ऐसा नहीं कहते केवल भक्ति दे दीजिए। भक्ति दीजिए लेकिन साथ साथ प्रेम भी दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, प्रेम प्रेम भी दीजिए, भक्ति भी दीजिए। सज्जना, प्रेम के साथ भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति सफल होगी, आप कृतज्ञता के पाप से बच जाएंगे। और हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, जो स्तुति प्रार्थना करेगा नित्य प्रतिदिन, परमात्मा की स्तुति, संत की स्तुति, गुरु की स्तुति जो रोज करेगा, इतना भी करता रह गया, अगर उसका शरीर छूटेगा ना, याद रखिएगा, इससे उनको परमात्मा तो नहीं मिलेंगे, विशाल स्वर्ग के सुख को भोगेंगे और धरती पर आएंगे तो उनको दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा।
मनो शरीर से वो नीचे नहीं गिर सकते हैं, 84 में नहीं जा सकते हैं, जो स्तुति प्रार्थना करने वाले होते हैं। इस ख्याल से भी आप स्तुति प्रार्थना कीजिए, आपका मनो शरीर सुरक्षित रहेगा, आप मनो शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। स्तुति प्रार्थना करने से परमात्मा की बड़ाई जानने में आई, आस्था होगा, विश्वास होगा, प्रेम जागेगा, उनकी भक्ति करेंगे, आपकी भक्ति सफल होगी। ये चौथी भक्ति है उनका गुणगान। सज्जनों पांचवी भक्ति क्या है नवदा भक्ति की, आप लोग जानते हैं, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। परमात्मा की पांचवी भक्ति है मंत्र का जाप। परमात्मा श्री राम कहते जो मेरा जाप करता है, हमारे मंत्रों का जाप, हमारे मंत्र का जाप करता है, मानो हमारी वो पांचवी भक्ति कर रहा है।